नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आज मैं एक डिटेल वॉक अराउंड करने वाला हूं टाटा सफारी का। और ये अपने सामने जो देख रहे हैं ये बड़ा यूनिक कलर है, इसका नाम है ट्रॉपिकल मिस्ट। ये कलर जो है आपने ऑटो एक्सपो 2020 में भी देखा था, जिस टाइम जो है इसे ग्रेविटास के नाम से बुलाया जा रहा था। और बड़ा ही यूनिक कलर है। इसके ऊपर भी जो है एक कलर आपको मिलने वाला है जो कि ट्रॉपिकल मिस्ट एडवेंचर एडिशन होगा। उसमें जो है आपको अलॉय व्हील और जितना भी आप क्रोम का पार्ट देख रहे हैं वो सारा कुछ जो है आपको ब्लैक मिलेगा। बट फिलहाल जो है वो वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है। जैसे ही वो वेरिएंट अवेलेबल होगा तो उसका भी जो है मैं एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो जो है आप तक पहुँचाऊँगा। इससे पहले जो है आपने ब्लू कलर का वीडियो देखा होगा टाटा सफारी का, तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। तो इसके वेरिएंट वगैरह की अगर बात कर लें तो वेरिएंट जो है वो आपने डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे। इंजन ऑप्शन की अगर बात करें तो सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ आती है टाटा सफारी, जिसमें कि आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन की अगर बात कर ले तो दो ट्रांसमिशन सिस्टम आता है इसमें, ऑटोमेटिक और मैनुअल। और अगर प्राइस की बात कर ले तो ये जो है 1469 से लेके 2145 लाख तक जाती है इसकी प्राइस। तो चलिए अब चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे और चेकआउट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल को कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। हालांकि आपने जो है टाटा सफारी का एक डिटेल वीडियो जो है इससे पहले भी देखा होगा ब्लू कलर का, फिर भी जो है मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ दोबारा से। तो अगर हेडलैम्प की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हैरियर की तरह ही है फ्रंट से। यहाँ पे जो है आपको लाइन की इम्बोजिंग जो है वो देखने को मिल जा रही है। एक जो है आपका हाई बीम के लिए है हेलोजन सेटअप, दूसरा जो है लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ जो है इसमें फॉग लैम्प देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको क्रोम का वर्क दिया गया है, ये जो है आपको हैरियर में जो है ब्लैक फिनिश पे मिलता था। और अगर फ्रंट डिज़ाइन की बात कर ले तो वो कम्प्लीटली हैरियर की तरह ही है। और ग्रिल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपको क्रोम से जो है सराउंडेड ट्राई एरो एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये पूरा ग्रिल जो है आप देख रहे हैं ये पूरा क्रोम पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है। DRL जो है इसमें आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ जो है इसमें जो है आपको ट्रिपल टोन जो है बम्पर देखने को मिल जाएगा। एक जो है आपका मैट ब्लैक फिनिश पे है, दूसरा जो है आपका सिल्वर फिनिश पे जो है, ये आपका स्किड प्लेट जो है लोअर एरिया का वो आप देख सकते हैं। और ये जो है ट्रॉपिकल मिस्ट कलर में जो है ये इसका बम्पर हो गया। ऊपर की तरफ यहाँ आ जाए तो आप इसके बोनेट को देख सकते हैं। बोनेट में जो है आपको काफ़ी सारा क्रीच लाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा बोनेट है इसका। साइड प्रोफाइल में अगर आ जाए तो यहाँ पे जो है आप व्हील आर्च पे जो है इसकी क्लैडिंग को देख सकते हैं। ब्लैक फॉर्म में जो है इसमें आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ जो है आप इसके डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील को देख सकते हैं। फ्रंट के अंदर जो है इसमें आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और इसमें आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये 235/60R18 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है। हैरियर में जो है आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, इसमें जो है 1 इंच इंक्रीज कर दिया गया है। डोर एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपको डोर हैंडल दिया गया है वो आपको डुअल टोन पैटर्न पर देखने को मिल जाएगा। पहला जो है ये बॉडी कलर और सेंटर में जो है यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी जो है आपको क्रोम की बिडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे जो है ऑफ रोड पे माइनर प्रोटेक्शन के लिए जो है आपको ब्लैक मैट फिनिश पे क्लैडिंग दी गई है, जो माइनर ऑफ रोड वगैरह में जो है स्क्रैचेस वगैरह से आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे जो आप इसके ORVM को देख रहे हैं ये जो है ब्लैक पियानो फिनिशिंग पे दी गई है LED इंसर्ट्स के साथ। ए पिलर जो है ये बॉडी कलर है। बी पिलर की अगर बात कर ले तो वो आपको ब्लैक पियानो फिनिश पे दिया गया है, हालांकि आउटडोर में खड़े होने की वजह से जो है थोड़ा डस्ट वगैरह इस पर आ गया है। और ऊपर की तरफ जो है आप इसके रूफ रेल को देख सकते हैं जो कि सिल्वर पैटर्न पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप क्रोम पे टाटा सफारी की इम्बोजिंग देख सकते हैं। और सेकंड डोर की अगर बात करें तो इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, यहाँ पर जो है सिर्फ आपको बॉडी कलर डोर हैंडल विथ क्रोम दिया गया है। बैक प्रोफाइल में आ जाए तो यहाँ पर भी आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देख सकते हैं आप। अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। सेंटर में आप टाटा का लोगो जो है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको फ्यूल कैप जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर पैनल ग्लास की बात करें तो काफ़ी बड़ा सा क्वार्टर पैनल ग्लास जो है इसमें आपको दिया गया है। यहाँ पर जो है आप क्रोम की बिडिंग देख सकते हैं लोअर पोर्शन में। अगर बैक प्रोफाइल में आ जाए तो आप देख सकते हैं इसके टेल लाइट का डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक टेल लैम्प जो है इसमें आपको दिया गया है। और ये जो है कम्प्लीट रेयर LED कॉम्बिनेशन लैम्प का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है इंडिकेटर है यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिशिंग से सराउंडेड है पूरा टेल लाइट जो है। नीचे जो है आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और
पीछे की तरफ जो है दो पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको सिल्वर फॉर्म में जो है एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि ये एग्जॉस्ट जो है ये फेक एग्जॉस्ट है, आपको रियल एग्जॉस्ट जो है वो आपको नीचे की तरफ दिया गया है। यहाँ पे स्पेयर व्हील भी जो है आपको स्टील रिम के अंदर मिलता है जो कि नीचे माउंटेड है यहाँ पे। और यहाँ पे आप सफारी की बैजिंग जो है वो देख सकते हैं। ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग जो है वो देखने को मिल रही है। टाटा का लोगो जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर रेयर विंडशील्ड की बात करें तो रेयर विंडशील्ड पे जो है आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है ऊपर की तरफ मिल जा रहा है। स्पॉयलर पे यहाँ पे जो है आपको वाइपर, डिफॉगर, और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ लोकल फॉर वोकल। टाटा की अभी जितना भी नई कार्स आ रही हैं उसमें आपको लोकल फॉर वोकल का स्टिकर जो है वो ज़रूर मिलेगा देखने को। और यहाँ पे आप कुछ हाईलाइटेड एलिमेंट्स देख सकते हैं। को ड्राइवर साइड का व्यू भी जो है एक बार आप कंप्लीट व्यू देख लीजिए। काफ़ी लंबी है टाटा सफारी। और वही अगर हम लोग उसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर जो है इसमें आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, रोल ओवर मिटिगेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर बॉडी प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये रेंज रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन की गई है। को ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही साइड जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और अगर रूफ़ की बात करें तो रूफ पे जो है आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और रेयर में आपको ब्लैक कलर का जो है शार्क फिन एंटीना दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर में और चेकआउट करते हैं इसके इंटीरियर को। और ये ORVM जो इसमें दिया गया है आपको ऑटो फोल्ड दिया गया है। लॉक अनलॉक के साथ जो ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। यहाँ पर आप इसके इंटीरियर को देख सकते हैं जो कि आपको ट्रिपल टोन में देखने को मिल जाएगा। ये जो है ब्लैक कलर पे दिया गया है, ये जो है आपको सिल्वर पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको लेदर का वर्क दिया गया है। यहाँ पर जो आप इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स को देख सकते हैं, ये आपको लॉक लीवर जो है यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे बॉटल होल्डर का स्पेस, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जो है एक अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। नीचे की तरफ जो है आपको इसमें रेड कलर का रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया है, सॉरी, जो कि पीछे से आने वाले किसी भी कार या बाइक्स को जो है वो ईज़िली विजिबल हो जाएगा अगर आप डोर को जो है रोड पर ओपन करते हैं तो। और यहाँ से जो है आप इसके फ्रेम को देख सकते हैं, मोनोकॉक चेसिस जो है इसमें आपको देखने को मिलती है। सीट्स जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड। को ड्राइवर साइड जो है मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ब्रेक पैडल के बीच में कितना गैपिंग वगैरह जो है वो आप देख लीजिए। और यहाँ जो है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल रहा है। सिल्वर फिनिश पे जो है आपको AC के वेंट्स जो है वो मिल जा रहे हैं। और कुछ इस तरीके का इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील दिया गया है जो कि लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील है। इस साइड जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल का सारा बटन जो है वो मिल जाता है। इस साइड जो है वॉल्यूम के लिए और कमांड के लिए सारे बटन्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सेंटर में अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे जो है आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को देख सकते हैं। और नीचे की तरफ जो है इसमें आपको AC के वेंट दिए गए हैं और AC का कंट्रोल जो है ठीक नीचे दिया गया है। ऑटोमेटिक AC मिलता है इसके अंदर आपको। और नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर जो है आपको एक USB सॉकेट दिया गया है। ऑक्स के लिए जो है एक पोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। और इससे जो है आप डिफरेंट मोड्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए है और हिल डिसेंट कंट्रोल का भी जो है आप एक को जो है एक डेडिकेटेड बटन जो है वो मिल जा रहा है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर मिल रहा है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और इसमें जो है आपको ऑटो होल्ड जो है वो मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग जो है इसमें मिलती है। और यहाँ पर जो है आपको कंपार्टमेंट दिया गया है, बॉटल होल्डर, कप होल्डर, आप जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। और आर्मरेस्ट के नीचे जो है इसमें आपको स्पेस दिया गया है जो कि कूल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड की अगर बात कर ले तो डोर पे जो है आपको स्पीकर देखने को मिल जा रहा है। पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे जो है ग्लव बॉक्स में काफ़ी बड़ा सा कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ जो है आपको लैपटॉप के लिए भी जो है कंपार्टमेंट मिल जा रहा है सेपरेट।
डैशबोर्ड पे जो है आप एयरबैग की बैजिंग देख सकते हैं। डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी फ्लैट है। IRVM की अगर बात कर ले तो इसमें जो है आपको ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आप रीडिंग लैंप्स को जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं इससे। और सनसेट पे कोई टिकट होल्डर वगैरह जो है नहीं मिल रहा है। को ड्राइवर साइड जो है आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ, दो लाइट्स आपको दी गई हैं। और यहाँ से जो है आप इसके सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मिल जाती है। पिलर्स पे भी जो है आपको एयरबैग्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप एयरबैग की ब्रांडिंग जो है वो देख सकते हैं। सीट का कलर जो है ये कुछ कुछ जो है आपको वाइटिश पैटर्न पे दिया गया है। और हेडरेस्ट की अगर बात कर लें तो वो आपको जो इसमें सारे हेडरेस्ट मिलते हैं, 6 हेडरेस्ट जो है इसमें आपको टोटल दिया गया है, जो कि 6 हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है। सीट्स जो है वो बिल्कुल हैरियर की तरह ही हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड रो में और चेकआउट करते हैं इसके सेकेंड रो को। तो सेकेंड रो की अगर बात कर लें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डोर का पैटर्न है इसमें सेकेंड रो का भी। नीचे की तरफ जो है इसमें आपको लाइट मिल जाती है सेकेंड डोर में भी, और यहाँ पे भी जो है आपको बॉटल होल्डर का स्पेस, यहाँ पे जो आपको एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी स्पेस जो है वो मिल रहा है। पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। इस साइड अगर आ जाए तो यहाँ से जो है आप बाहर का बाहर से जो है केबिन का व्यू वो देख सकते हैं। सीट्स की अगर बात कर लें तो इसमें जो है आपको सेकंड रो जो है वो आप 60-40 में जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है सेकंड रो में। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आर्मरेस्ट जो है वो निकाल के दिखा दूँ। और यहाँ से जो है आप इसके आर्मरेस्ट को देख सकते हैं। आर्मरेस्ट में जो है आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है। और अगर आपको थर्ड रो में एंटर करना है तो आपको जो है इस सीट को फोल्ड करना पड़ेगा, और इस सीट को जो है आप फोल्ड करके थर्ड रो में जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आप एक हाईलाइटेड फीचर जो है वो देख सकते हैं, JBLs का जो है इसमें आपको सारा म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके बूट में और चेकआउट करते हैं इसके बूट को। तो बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दिया गया है। और यहाँ से जो है आप इसे तो देख सकते हैं बूट जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पे जो है आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है बूट को बंद करने के लिए पकड़ के। यहाँ पे जो है आपको कुछ थोड़ा सा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो है आपके टूल्स वगैरह जो है स्क्रू ड्राइवर टूल्स वगैरह जो वो देखने को मिल रहा है। सीट्स को अगर आप चाहें तो इन सीट्स को जो है आप फोल्ड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, और बूट स्पेस को जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए ये सीट जो है मैंने फोल्ड कर दिया अभी। और यहाँ पे जो है आपको नॉब दिया गया है रेयर एसी वेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, दो एसी वेंट जो आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं। और इस साइड अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे दो है, आप जो है यहाँ पे USB पोर्ट को देख सकते हैं। एक जो है आपको यहाँ पे कप होल्डर भी देखने को मिल जाता है, और रेयर में जो है आपको एक यहाँ पे JBL का सब बूफर जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ आपको जो है हेलोजन के अंदर जो है एक बूट लैम्प जो है वो भी देखने को मिलता है बूट के अंदर। तो चलिए हम उसको बूट को कर देते हैं बंद। तो वहीं अगर हम लोग उसके इंजन की बात कर लें तो इसमें जो है आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 170 PS की पावर जनरेट करता है। 350 Nm का टॉर्क जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये कलर जो आप देख रहे थे ये ट्रॉपिकल मिस्ट कलर थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।